मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। तमाम HDPI पार्टी के लोग जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप देखेंगे पुलिस ने जो है इन्हें हिरासत में लिया है। क्या कहिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? अरे मुजरिम ने यार भेड़ी थोड़ी पहना है, हम लोग हक देते हैं प्रोटेस्ट करने का। आप HDPI पार्टी के क्या हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आराम से कोई नहीं लगे। सभी HDPI पार्टी के लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैमरामैन से कहेंगे इधर बुलाने के लिए। सरफराज भाई क्या बोलेंगे प्रोटेस्ट कर रहे थे? ये प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, लेकिन आप देखा जाएगा यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। योगेश 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 प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पे नाम लिया जा रहा है। अंदर चलो चलो, देखिए हमारा एक ही मैसेज है, जो ये काला कानून है पूरे इंडिया में सबको इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, सबको रोड पे उतरना चाहिए। इसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ के सबको नागरिकता देने की बात की गई, ये भेदभाव वाली राजनीति है, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है, और तमाम को इसमें आवाज उठाना चाहिए। CEE काला CEE के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे HDPI पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, यहाँ पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। देखिए अब मुमरा पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, ये क्या मुमरा पुलिस लेकर जो उन्हें हिरासत में लेकर अब आगे की तरफ जा रही है। मुमरा दारुल फला मस्जिद है, इसके ठीक सामने ही आज जो है HDPI पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। CEE लागू हुआ है, लेकिन इनका कहना है साफ तौर पर कि जो नागरिकता देने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है और इसी को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 3 इस्लामिक देश है वहाँ से जो शरणार्थी यहाँ पर भारत में आए हुए हैं, ये उन्हें नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया है। लेकिन वहीं पूरे भारत में CEE के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मुमरा के दारुल फला मस्जिद पर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस का भारी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया था। और ऐसे में जो यहाँ पर HDPI पार्टी के तमाम लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है।